पहले इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स का हॉट टेल लॉन्च किया बहुत ही धांसू प्राइस के साथ। इस बार लॉन्च किया टेक्नो, मतलब दो भाई मिलकर इंडियन मार्केट में अंडर 10,000-12,000 ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, टेक्नो ने आज लॉन्च किया टेक्नो का कैमोन 60। तो ये फोन जो है आपको 11,000 रुपए में मिल रहा है, 4GB रैम 64GB इंटरनल। तो सेम टाइम हम लोगों के पास और एक फोन है जो है रियलमी की तरफ से, रियलमी का नार्जो 20। इसका भी 4GB 64GB अगर लेने जाते हैं तो 10,500 रुपया आपको देना पड़ेगा, मतलब दोनों फोन के अंदर डिफरेंस 500 रुपए के अंदर। तो ये वीडियो आपको देखिए, ये वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करके आपको बताएंगे क्यों आपको नार्जो 20 के साथ जाना चाहिए, और अगर आप टेक्नो कैमोन 16 के साथ जाते हो तो आपको क्या एडवांटेज क्या फायदा मिलेगा वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये तो फोन का डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो 6.5 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा आपको Realme का Narzo 20 के अंदर विद डुअल नॉच एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिग्नल प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। सेम टाइम अगर हम लोग टेक्नो का कैमोन 16 को देखेंगे तो टेक्नो का कैमोन 16 में जो है 6.82 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन का एक पांच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पांच होल जो है आपको बाएं तरफ देखने को मिल जाएगा एंड ओवरऑल ये डिस्प्ले भी अच्छा है एंड ये जो है TFT डिस्प्ले, इधर IPS LCD नहीं है, इधर TFT डिस्प्ले बट काफी बड़ा एक डिस्प्ले। हालांकि काफी बड़ा डिस्प्ले में HD प्लस रेजोल्यूशन एक डिसएडवांटेज के अंदर आएगा ये फोन का, बट ओवरऑल एक बड़ा सा आपको डिस्प्ले आपको मिल जाएगा ये फोन में। नेक्स्ट हम लोग ये दो फोन का अगर रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, दोनों में ही जो है आपको 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल का वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड टेक्नोलॉजी जो है LPDDR4X रैम का टेक्नोलॉजी एंड स्टोरेज जो है eMMC 5.1 स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले, अगर आप चैनल में नया है तो मैं सम्राट आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए, और कुछ भी जानना है वीडियो रिगार्डिंग प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उस पर दबा दीजिए, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट हम लोग सीधा आ जाएंगे ये दो फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर को लेकर। तो कैमोन 16 में आपको देखने को मिल रहा है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर, जो बोला जाए तो इस बजट वाइज एकदम एक परफेक्ट प्रोसेसर बोल सकते हैं। हालांकि इससे बेटर प्रोसेसर इस बजट में मिल रहा है, बट ये जिस तरह का फोन प्रोवाइड कर रहा है ये एकदम अच्छा एक प्रोसेसर है। G70 आपको डेली लाइफ में कोई भी काम करने जाओगे तो अच्छे से कर तो देगा ही, उसका साथ अगर आप गेमिंग की बात करेंगे तो आप अच्छे से गेमिंग भी कर पाएंगे एंड ये एक अच्छा प्रोसेसर है। सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी का Narzo 20 में देखेंगे तो इधर आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो G70 से 15% के आसपास आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज। तो ओवरऑल आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा Realme का Narzo 20 के अंदर एंड इसका साथ अगर हम लोग सेम टाइम बैटरी के बारे में बात करेंगे तो टेक्नो में जो है आपको देखने को मिल रहा है 5000 mAh की बैटरी। तो ये फोन में जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 18W का फास्ट चार्ज एडाप्टर का सपोर्ट है, बट इन बॉक्स आपको 10W का चार्जिंग एडाप्टर दिया जा रहा है, जो अभी तक मैं फ्लिपकार्ट में सर्च किया उधर 10W एडाप्टर के बारे में ही जानने को मिल रहा है। हालांकि अगर 18W दे रहा है तो आप थोड़ा मुझे इन्फॉर्म कर लीजिए कमेंट में। सेम टाइम अगर Narzo 20 को देखा जाए तो ये फोन में जो 6000 mAh की बैटरी दिया जा रहा है एंड इसका साथ ये फोन में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल रहा है एंड ये फोन में जो है आपको 18W फास्ट चार्जर एडाप्टर जो है इन बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मतलब फिंगरप्रिंट जो पीछे आपको देखने को मिल जाएगा दोनों में। फ्रंट कैमरा इस बार आते हैं कैमरा के बारे में, फ्रंट कैमरा सबसे पहले बोल देते तो Narzo 20 में जो है आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा Aperture 2.0 के साथ एंड ओवरऑल कैमरा क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। सेम टाइम अगर देखोगे टेक्नो में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा 5 होल के अंदर एंड फ्रंट में जो है आपको इधर सेल्फी फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम पीछे की कैमरा की बात करेंगे तो टेक्नो कैमोन 16 में जो है आपको पीछे 4 कैमरा की सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अंदर से प्राइमरी कैमरा जो है बहुत ही हाईलाइटेड है, 64 मेगापिक्सल का आपको इधर एक सेंसर देखने को मिलेगा Aperture 1.8 की साथ एंड पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। डे लाइट बोलिए लो लाइट में भी आपको काफी इंप्रेसिव शॉट एंड क्लिक देखने को मिल जाएगा ये फोन से। सेकेंडरी जो है इधर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर, तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर और एक सेंसर जो फेक AI लेंस बोल रहे हैं कोई काम का नहीं है। बेसिकली इधर देखा जाए तो ये फोन में टेक्निकली आपको एक या दो ही सेंसर काम में आएगा, एक मैक्रो सेंसर जो अगर आप काम में लेते हो तो
बट ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस क्यों दिया मुझको पता नहीं, क्योंकि 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस जस्ट एक यूजलेस फीचर होता है। तो टेक्निकली ये फोन में आपको एक ही कैमरा सेंसर काम आएगा पीछे। सेम टाइम नार्जो 20 को देखा जाए तो नार्जो 20 में जो है पीछे आपको 3 कैमरा की सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, अपर्चर 1.8 की है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया जो काफी अच्छा इम्प्रूव एंड काफी अच्छा मूव बोल सकते हैं रियलमी की तरफ से, काफी अच्छा काम किया इधर। एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा सेगमेंट दोनों ही काफी बैलेंस है, बट फ्यूचर में आप लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। दोनों में वीडियो रिकॉर्ड जो है आप 1080p एंड 2K दोनों रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन जो है आप 720p के ऊपर कर सकते हैं 120fps की ऊपर। तो ये है मेन दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन वाइज देखेंगे तो आपको काफी सिमिलरिटी दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको एक फोन लेना है ये दो फोन के अंदर से, तो मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा आप नार्जो 20 के साथ ही जाइए। 500 रुपया कम में तो हो रहा है, आपको परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल आपको जो है एक रियलमी की तरफ ब्रांड भी आपको देखने को मिल रहा है। बट एक चीज आपको इधर नोटिस करने वाला चीज है, आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल रहा है नार्जो टेक्नो का कैमोन 16 के अंदर। बट अगर आप देखेंगे टेक्नो कैमोन 16 को एज ए फोटोग्राफी के लिए अगर आप लेते हो तो अच्छा एक मूव नहीं होगा, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा ही आपको काम में आएगा। बट अगर आप नार्जो 20 को लेते हो तो इधर आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिलेगा अल्ट्रावाइड लेंस। हाँ, 48 मेगापिक्सल का सेंसर से आपको काफी अच्छा फोटो आ जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा अल्ट्रावाइड लेंस मिल रहा है जो आपको फोटोग्राफी के टाइम और भी हेल्प करेगा। अगर आप अच्छा फोटो क्लिक करना चाहते हो अल्ट्रावाइड लेंस से आपको काफी अच्छा फोटो आ जाएगा, ठीक, ये एक एडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप नार्जो 20 के साथ जाते हो तो आपको इधर देखिए फास्ट चार्ज एडाप्टर इन बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो आपका बैटरी जो है बहुत फास्टली चार्ज कर देगा, तो ये भी एक आपको एडवांटेज मिल रहा है। एंड तीसरा जो है परफॉर्मेंस, तो इधर मीडियाटेक हेलियो G85 देखने को मिल रहा है जो टेक्नो कैमोन 16 का G70 से 15% तक आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, वो भी 500 रुपया कम में। तो इतना कुछ आपको एडवांटेज मिल रहा है वो भी 500 रुपया कम में, तो क्यों ना आप नार्जो 20 के साथ जाइए, मैं यही रेकमेंड करूंगा। हालांकि अगर आप जाना चाहते हो टेक्नो का कैमोन 16 के साथ ऑब्वियसली जा सकते हो, काफी अच्छा फोन, स्पेशली 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो 11,000 में दे रहा है वो एक काफी अच्छा काम किया टेक्नो वालों ने। तो ये है ओवरऑल कंपैरिजन वीडियो एंड मेरा ओपिनियन क्या है ये दो फोन को लेकर, कौन सा फोन किसको लेना चाहिए। आई होप आपका ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर क्या करना, तो पता है वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग ये वीडियो का लाइक टारगेट 50 रखा गया, प्लीज लाइक फील कर दीजिए, क्योंकि देखिए पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितना पसीना देख रहे हो इधर से जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में एक लाइक दे दीजिए। और उसके साथ कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है जाइए, कमेंट कीजिए, आपको कमेंट कर सकते हो जरूर मिलेगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर एक नए मुलाकात रहे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।